दोस्तों ये वीडियो में हम डायरेक्टली चलते हैं बिना कोई बात किए हमारी स्टडी विंडो की तरफ, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन मकसद है हमारे सीए फाइनल ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के, उनको अभी ये परेशानी माइंड में चल रही है कि क्या वो न्यू सिलेबस में, न्यू कोर्स में स्विच ओवर कर जाएं या ना करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्वेरीज जो है वो व्हाट्सएप पर आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि बेटर है एक एक बच्चे को गाइड करने से कि मैं इसकी वीडियो बना दूं, ताकि सभी बच्चों को ये क्लैरिटी हो जाए कि हमें न्यू सिलेबस में स्विच ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर मैंने आपके लिए कह लो कि एक इंफॉर्मेशन ड्रॉ की है। और देखो मैं आपको साफ साफ बताता हूं, मुझे लगता है कि कभी भी ऐसी बात पर मैं कोई भी डाउटफुल राय नहीं दूंगा कि दोनों तरफ आपको छोड़ दूं कि यहां पर ऐसे देख लो, यहां पर ऐसे देख लो। मैं तो जो भी आपको बताऊंगा वो डायरेक्टली आंसर होगा। एक कैटेगरी में वो बच्चे मैं कवर कर रहा हूं कि आपका एक ग्रुप पेंडिंग है, बस एक ग्रुप निकल चुका है आपका, तो इसका मतलब जो आपका एक ही ग्रुप पेंडिंग है वो कैटेगरी मैंने पहले नंबर पर बनाई हुई है। ये जस्ट एक इमेज ड्रॉ की है कि अगर सीए फाइनल वाला बच्चा ये देख रहा है कि मेरे पास दो अटेम्प्ट्स बची हैं, मई 20 की और नवंबर 20 की, और एक वो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनके अभी बोथ ग्रुप्स, मतलब ग्रुप वन भी पेंडिंग पड़ा है, ग्रुप टू भी पेंडिंग पड़ा है, तो वो भी ये चक्कर में उलझे हुए हैं कि क्या अब हमें न्यू सिलेबस में अभी से कन्वर्ट करवा लेना चाहिए। तो पहले मैं कवर करता हूं सिंगल ग्रुप वाले बच्चे। देखो मैं तो आपको सीधा सीधा डाउटफुल सिचुएशन में नहीं डालूंगा, मैं बोलूंगा नो, आपको न्यू सिलेबस में नहीं जाना चाहिए। पहले तो आप ये सोचो आपका इंटरेस्ट क्या है न्यू सिलेबस में जाने का, कि क्या वहां पर न्यू सिलेबस में कुछ ज्यादा इजी काम है, या मैं बोलूंगा कि वहां पर हमें कुछ ज्यादा गुलाब मिलने वाले हैं, ओल्ड सिलेबस में कोई कांटे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उधर भी पढ़ना है तो इधर भी पढ़ना है। अगर आपके माइंड में ये है कि चलो नया आ जाएगा तो नए के बाद हम थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाएगा, नए में ऐसा कुछ नहीं है। वो आप जब पढ़ने बैठोगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि यार पहले से भी ज्यादा ही हार्डवर्क है, पहले में तो फिर भी बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, तो वहां पर बहुत सारी नई चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो आप तो देखो मैं आपको सीधी सी पॉलिसी बता रहा हूं, आपका एक ही ग्रुप पेंडिंग है। तो अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि कहीं अगर मेरे से मई 20 में भी ना क्लियर हुआ, नवंबर 20 में भी ना क्लियर हुआ, और मैं मई 21 में जाकर फिर नए सिलेबस के लिए इतनी जल्दी कैसे पढ़ लूंगा, तो देखिए यार जो कंजर्वेटिज्म वाली अप्रोच है ना वो अकाउंट्स में चलती है, आप अपनी लाइफ में ना लगाओ इतनी ज्यादा। ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाओ अपनी, मैं भी हर चीज को स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट लगाकर सोचता हूं करता हूं, लेकिन इतनी दूर में नेगेटिव सोच कि मैं यहां पर भी अगर फेल हो गया। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके जो कंसेप्ट्स है मतलब वो वीक हैं, आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मतलब आपको पता होगा कि आपके मार्क्स 150 से नीचे रह रहे हैं हर बार, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम हो। तो देखिए आपके पास अगर यहां से भी देखो तो यहां तक जितना भी टाइम अवेलेबल है, अगर हमारे पास अराउंड 10 महीने अवेलेबल हैं, 9 महीने अवेलेबल हैं, जितना भी टाइम अवेलेबल है, तो आप एक काम कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन हो सकती है कि आप पढ़ो ही सीधा नवंबर की अटेम्प्ट के लिए, और कम से कम इतना तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर मुझे आता होगा तो क्लियर होगा, ये सीधी सी बात है। इसमें दो राय है ही नहीं है कि अपनी लाइफ को उलझाकर रखें, पढ़ के देंगे तो पास होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं ये अटेम्प्ट मिस नहीं करना चाहता, तो मैं आपको यहां पर एक सजेशन दूंगा, आप ऐसे ना करो सारे चैप्टर ऊपर ऊपर से देख लिए, आप यहां पर जितना पढ़ के जाओगे उतना अच्छे से पढ़ के जाओ। मान लो आपने यहां तक 40% या 50% अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, अब आपका इंटरेस्ट है मैंने अटेम्प्ट नहीं मिस करनी तो दे दो, लेकिन आपको पता है कि मैंने 50% जो पढ़ा है वो मुझे दिल से आता है, और अगर ना क्लियर हुआ तो साथ ही देखो आप एग्जाम देते ही अपना अगली अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना, एग्जाम देकर पता चल जाता है कि मेरी अटेम्प्ट कैसे गई है, तो आप बैलेंस अपना 40-50 आगे पढ़ लेना, तो ये श्योर है आपकी अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगी। तो आप सिलेबस को न्यू वाले को ऑप्ट करो अभी, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसा माइंड में कह लो ये ख्याल आना चाहिए। आपको काफी कुछ आता है ओल्ड सिलेबस में, आप उसी में रहकर पेपर दो, इतनी दूर जाने का ना सोचो कि यहां पर जाकर मतलब मुझे इजी रहेगा। तो आप ये दो अटेम्प्ट्स अपनी बिना बात के न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करके उसमें उलझे रहोगे, मतलब ये श्योर कर रहे हो आप न्यू सिलेबस में जाकर के मैं यहां पर भी नहीं क्लियर हूंगा, यहां भी नहीं हूंगा, यहां पर देना चाहता हूं। अगर माइंड में पहले ही है कि मैंने देना ही यहां पर है और मैंने न्यू में देना है, तो ठीक है फिर आप कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब आती है बारी बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों की। तो देखिए जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि आप पहली बात तो
अगर आपको लग रहा है कि आपका लेवल इतना चल रहा है कि दोनों ग्रुप्स में आप अगर रह रहे हो, मतलब आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप 200 के पास पहुंच जाते हो इंडिविजुअली, मतलब ठीक है आपका 400 नहीं क्रॉस हो रहा है लेकिन आपके ग्रिप प्रॉपर है सब्जेक्ट्स के ऊपर, और लग रहा है कि शायद कोई छोटी मोटी कमी पेशी की वजह से आपका रह जाता है, फिर तो अगर आप यहां पर फिर से दोनों देने वाले हो, यहां पर फिर से दोनों देने वाले हो, अगर कुछ इश्यू रह जाएगा मे में नहीं क्लियर होता है तो आप ओल्ड में ही रहो, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये उलझन आ रही है कि आपको स्विच ओवर करने लेना चाहिए न्यू सिलेबस में, तो मैं तो देखो आपको एक सीधी सी सजेशन दूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट्स वीक हैं, तो ओल्ड सिलेबस में कम से कम एक ग्रुप अपना क्लियर कर लो जिसके ऊपर आपको लगता है थोड़ा सा इंटरेस्ट है। मान लो आपको लगता है ग्रुप टू में आपका इंटरेस्ट है, तो कम से कम आप अपना ग्रुप टू एक टारगेट लेकर चलो कि क्या मैं यहां तक कितना कवर कर सकता हूं। अगर आपको नहीं पॉसिबल लग रहा है तो इसका टारगेट फिक्स कर लो, तो जैसे ही आपका एक ग्रुप क्लियर होता है तो नेक्स्ट जो आपका ग्रुप है तो वो आपका ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में होगा, तो वो फिर आप उसके बाद न्यू सिलेबस में दे लेना। लेकिन अभी आप सोचो मैं न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवा लूं, तो मुझे और वो भी दोनों ग्रुप आप अपने न्यू सिलेबस में सोच रहे हो, तो ऐसे का तो मेरे ख्याल से माइंड में ख्याल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ऊपर बताया कि इतना भी न्यू सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि वहां पर कोई सुपर ईजी चीजें हैं, जैसा इधर आप ओल्ड सिलेबस में पढ़ रहे हो वैसे आप वहां पर पढ़ रहे हो। और ये भी माइंड में वहम होता है कि नए सिलेबस में शायद नई चीजें होगी, अब मैं नई चीजें सीखूं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप वही दोबारा फिर से थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बुक्स में चीजें सीखते रहो। इसको एक ये मानकर चलो कि ये एक लाइफ का पार्ट है, इसको हमें खत्म करना है, और आगे जो प्रैक्टिकल दुनिया अपने स्टडी के बाद देखनी है वो टाइम जल्दी आए आपका, तो बेटर है आप एक ग्रुप कम से कम ओल्ड सिलेबस में क्लियर करके छोड़ो अपना, और उसके बाद जो आपका एक ग्रुप रह जाएगा वो आप न्यू में दे लेना। क्योंकि ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ऐसा हो कि इधर कोई पेपर आपका ग्रुप वन में क्लियर हो गया तो उधर आपके टू में वो दोबारा आ जाएगा, कोई यूनिट्स का चक्कर बन जाएगा, क्योंकि वो साफ सुथरा सिस्टम है। अगर वन क्लियर हो गया तो टू के चार पेपर आपके न्यू सिलेबस में होने हैं, तो ये सीधी सी बात है। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको मेरे इस पॉइंट से काफी क्लैरिटी हो गई होगी, तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में जो बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपके माइंड में कोई और वजह आ रही है, कोई और व्यू उसे आप सोच रहे हो, तो जरूर मेरे साथ शेयर करो, तो मैं आपको उसका आंसर श्योरली दूंगा। तो चलिए मैं आपको एक बार अपना जो कह लो कि राइप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है उसका लिंक भी दिखा देता हूं, जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो हमारा कह लो कि यूट्यूब का चैनल है वो तो आज ही ज्वाइन कर लो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार हर वीडियो में, और एक तो मैं आपको और चीज बता दूं कि मैं कुछ दिन से लास्ट बिजी था कुछ रिकॉर्डिंग्स में, तो अभी दोबारा फिर से मैंने ये ठान लिया कि आपके लिए कम से कम कोशिश यही रहेगी कि एक तो बात है कि रोज वीडियो जाए, कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं। अगर किसी दिन बीच में स्किप होता है तो एक दिन छोड़ के तो आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलने ही वाला है, और वो आपको एग्जाम में हर तरफ से यही होता है कि बच्चा किस वे में उलझा होगा, कहां उलझा होगा। किसी बच्चे का व्हाट्सएप आता है, मैं कहीं पर कमेंट देखता हूं, तो मुझे होता है कि उसको समझा दो ताकि कोई भी रिस्क ना लगे कि मेरा जिस वजह से इस बार ग्रुप रह जाए। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, या मुझे लगता हुआ कि कमेंट में रिप्लाई हो सकती है अच्छे से तो मैं वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।